वीडियो में डीपली कवर करेंगे कि एसएससी टी10 चैलेंजर कप का एक बेहतरीन टी10 मुकाबला के बारे में। हमने जो कल के दो मुकाबले के एसएससी टी10 चैलेंजर कप वाला कवर किए थे, काफ़ी बेहतरीन गया। अगर हम कोशिश करेंगे कि एक बेहतर आपको विनिंग करा के दें। खेला जाएगा KWM वर्सेस अफगान 11 के बीच में, और दोनों टीम ने टूर्नामेंट में जो चार चार मुकाबले खेले हैं, दो दो जीती है ना, उसी के बेसिस पे हम टीम बना रहे हैं कि कौन सा प्लेयर ने क्या क्या करे हैं, किनका बैटिंग ऑर्डर कहाँ पे रहेगा। पूरा वीडियो आप कम्प्लीटली देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाती है कि अगर ये प्लेयर ओपनिंग नहीं किया तो इनके साथ ये कर सकते हैं। सब चीज़ हम आपको क्लियर करेंगे कि कौन कौन ओपनिंग करा रहा है, कौन किन के साथ ओपनिंग कर सकता है, कौन बॉलिंग करेगा तो कौन नहीं कर सकता है, वो सब चीज़ हम क्लियर करेंगे। वीडियो का पूरा कम्प्लीटली देखिएगा, और वीडियो पसंद है लाइक करिएगा। टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो। टेलीग्राम पे आफ्टर टॉस क्या होता है कि जो भी हमारी स्मॉल की टीम्स होती है, हम जिस टीम से खेलते हैं, सेम टीम टेलीग्राम आपको चैनल पर देते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम पर जुड़ेंगे, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @FXpert, हमने जैसा लिखा है सेम टू सेम लिखेंगे ना, तो 15,100 200 के समथिंग सब्सक्राइबर वाला चैनल देखने को मिलेगा, और आपने यहीं पे क्लिक करके जुड़ना। मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल भी ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, ताकि मैं आपको टीमें वगैरह जो भी चीज़ हो मैं दे पाऊँ। मैचेज रहेंगे 10:30 बजे नाइट को, क्योंकि पहला मुकाबला 10:30 बजे ही रहता है, दूसरा मुकाबला रहता है दोस्तों 12:30 बजे नाइट को। हम दोनों मैचेज कवर कर रहे हैं, वेन्यू सेम रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले के मैचेज में सेकेंड इनिंग में जो बैटिंग कर रही थी टीम, उनको मदद मिल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले बात करेंगे अफगान 11 टीम की, तो इनकी टीम ने स्टार्टिंग के 2 गेम हारी थी, आप स्कोरिंग देखोगे दोस्तों। उसके अलावा लास्ट के 2 गेम इनकी टीम ने बढ़िया बढ़िया स्कोरिंग से जीती है, नो डाउट। ओपनिंग करा के देंगे फाहिमुद्दीन शरीफ, इनके साथ आ रहे हैं इमरान नवाज। फाहिमुद्दीन शरीफ 30-14, 2 और 14 करें, मतलब लास्ट के 4 गेम में एक वाला गेम में थोड़ा स्ट्रगल किया था, ओवरऑल ठीक ठाक करी है। फाहिमुद्दीन शरीफ खेलेंगे बिल्कुल भी, ओपनिंग करा के देंगे और आपके लिए एक सेफ पिक रहेगा। लेकिन अगर आप इमरान नवाज से कंपेयर करोगे कि इमरान नवाज और ये दोनों कोई ओपनिंग करा रहा है, तो हम जाए तो जाए कि इनके साथ, देखो इमरान नवाज इनसे कई गुना बेहतर बल्लेबाज है, ठीक है। अगर ये दोनों कोई ओपनिंग करा रहा है तो फिर इमरान नवाज के साथ जाइएगा। लास्ट लगे में इमरान नवाज ने 1 ही रन पे आउट हुआ था, लेकिन इनसे बेहतर बल्लेबाज है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो फाहिमुद्दीन शरीफ के साथ जाओ, लेकिन हम इन दोनों में से इमरान नवाज को पिक करेंगे। जफीर अंसारी अनवर ऑलराउंडर ठीक ठाक है, मैं कैप्टन नहीं किया था, पलर पिक करी थी, 10 रन करके गए थे, ऊपर से 2 ओवर था, 1 विकेट निकाले भी थे 2 ओवर के बॉलिंग करा के। तो क्या है ना कि एक तो बैटिंग करा सकते हैं, ऊपर से बॉलिंग 2 ओवर कर ही रहे हैं तो सेफ रहेंगे। इरफान सुल्तानजाई से भी का बेहतर ऑप्शन आएंगे, 23 रन 1 विकेट, 23 रन 2 ओवर, 9 रन 4 विकेट, 3 रन 1 विकेट, एक ही वाला गेम में विकेट लेस गए थे। उनके अलावा हर गेम में बॉलिंग कराइए, हर गेम में बल्लेबाजी करिए और विकेट निकाले हैं, तो सी भी सी का बेस्ट ऑप्शन। नईम जाहिर खान लास्ट के 2 गेम में, एक वाला गेम में 2 ओवर डाली भी थी, लास्ट वाला गेम में ओवर नहीं डाला था, क्योंकि लास्ट वाला गेम में ना इनके जो मेन बॉलर थे वसीम शेख, मिराबाज फजल हक, अलीम अहमद फाहिम सलाम, इनको टीम ने बॉलिंग में यूज़ करी थी। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि फजल हक और वसीम शेख नहीं खेलेगा ना, तभी नईम जाहिर खान को बॉलिंग मिल सकता है। नईम जाहिर खान बॉलिंग नहीं करी थी, उनके अलावा कुरुणाल पाटिल को भी टीम ने बॉलिंग नहीं दिया था, क्योंकि लास्ट लगे में वसीम शेख आए थे, फजल हक आए थे इसीलिए। लेकिन कुरुणाल पाटिल कभी भी बॉलिंग कर सकते हैं, और कई गुना बेहतर ऑलराउंडर ये है कुरुणाल पाटिल वसीम शेख से, ठीक है। तो आई थिंक आप इनके साथ जाना जरूरी है। खानवाली सैयद खान केवल फील्डिंग कर रहे थे, रविंद्र सलाम ने केवल 1 ओवर डाली थी। अली मेहमद फाहिम, मिराबाज फजल हक और वसीम शेख, ये जो 3 इनके टीम के मेन बॉलर हैं ना भाई, इनका मैंने कभी भी देखा नहीं है कि ओवर कट हुआ है। तीनों जब जब खेले हैं 2 ओवर डालिए, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे कि खेलेंगे तो 2 ओवर करनी चाहिए। सेफ रहेगा इन दोनों में से किसी एक को, मैं तो जाऊँगा नवाज के साथ पहला, जफीर अंसारी अनवर दूसरा, सुल्तान जाई तीसरा, करुणाल पाटिल चौथा, पांचवा अली मोहम्मद फहीम रहेगा, और इन दोनों में से आपको एक को लेना है तो मैं वसीम शेख के साथ जाऊंगा। बेंच वाले जो भी प्लेयर्स बैठे हैं, वसीम कुरैसी है और भी प्लेयर्स है, जिनमें से अगर प्लेयर्स खेलते हैं तो फिर स्टैट्स वगैरह जो भी चीज़ें होंगी मैं टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, और इस टीम से मेरे को बेहतर बेहतर मतलब जो प्लेयर्स हैं ना वो बेंच पर लग नहीं रहे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। KWM की टीम ने लास्ट के 3-4 गेम में, इनकी टीम ने 1 सेकेंड वाला जीती थी, 1 लास्ट वाला गेम जीती थी, 3rd वाला और 1st वाला इनकी टीम से हारे थे, स्कोरिंग सही सही आई नहीं, नो डाउट। ओपनिंग करा के देंगे वेंदर बोते, जो इनके साथ आ रहे हैं हिसाम मिर्जा, लास्ट वाला गेम में हिसाम मिर्जा ने भाई 59 रन करके गए थे, तो आई थिंक इनके साथ ही टीम कंटिन्यू करेगी ओपनिंग। वेंदर बोते जी के साथ हिसाम मिर्जा ओपनिंग करनी चाहिए। वेंदर भोतेजू 22-4-0-43 करे हैं, भोतेजू विकेट कीपर में है, विकेट कीपिंग करा रहे, ओपनिंग करा रहे, तो आप के लिए सेफ पिक रहेंगे।
उनके साथ आ रहे हिसाम मिर्जा लास्ट लगे में ना इनको टीम ने ओपनिंग में मेंशन करे थे, लेकिन उससे पहले आदित्य कुमार ओपनिंग कर रहे थे यहाँ पे भोतेजू के साथ। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि अगर हिसाम मिर्जा ओपनिंग नहीं करा तो इनके साथ ओपनिंग करेगा आदित्य कुमार पोलांडा। कई बार तो हिसाम मिर्जा को टीम नीचे खिलाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि भैया हिसाम मिर्जा को अगर टीम ने ओपनिंग कराई है और बढ़िया खेले हुए थे तो मेरे को लगता है कि इनके साथ ही टीम कंटिन्यू अगैन ओपनिंग करेंगे। तो आप पलट पिक करो इन दोनों को। आदित्य कुमार पोलांडा 6-22-16 कभी कभार बॉलिंग कर जाते हैं तो ठीक ठाक के पिक रहेंगे। अबिद मुश्ताक 23-10, अगर हिसाम मिर्जा ओपनिंग करेंगे तो अगैन अबिद मुश्ताक को टीम नीचे खिलाएगी। ठीक है, अबिद मुश्ताक 10-15 रन चाहिए हो तो ले सकते हो, मैं नहीं ले रहा। फरहान मीर ने एक रन करा था, मोहम्मद देश अली भाई लगातार विकेट निकाले, 2-2-1-1 हर गेम में विकेट इनका देखोगे आप, 2-2 ओवर की बॉलिंग देखोगे। अब्दुल्ला गुलाम खान 9 रन 1 विकेट, 8 रन 1 विकेट 1 विकेट लगातार, ये भी 2-2 ओवर की बॉलिंग कराई, 1-1 विकेट निकाला है। शिवतेन राजसा 3 रन 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट इनका भी अगर लगातार विकेट है और हमने हर गेम में ही रखा है। राहिल खान भी लगातार विकेट निकाल रहे हैं। ताहिर अब्बास टीम ने खिलाई थी, 2 ओवर दिया भी था बट विकेट लेस गए थे। हम स्मॉली की टीम में भोतेजू पहला, हिसाम मिर्जा दूसरा, आदित्य कुमार तीसरा रहेगा। अगर हिसाम मिर्जा को छोड़ रहे हो तो अभी आप अबिद मुश्ताक को रखिएगा, अदरवाइज रखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर आप टॉप 3 को ले रहे हो तो फिर अबिद मुश्ताक को आप छोड़ो, एस अली को ट्राई करिएगा, गुलाम खान रहेगा, उनके अलावा राजा शाह रहेंगे, राहिल खान को आप ट्राई कर सकते हो। 2 ओवर की बॉलिंग करिए, विकेट निकाले हैं। और भी प्लेयर्स जिनका हमने स्टैट्स निकाला है, खालिद भट्ट टीम के बढ़िया ऑलराउंडर जो कि नहीं खेल रहे, खेलेंगे इनकी टीम बहुत बढ़िया हो जाएगी। डेमो टीम में विकेट कीपर में अभी के लिए मैं भोतेजू को पिक करूंगा। बल्लेबाजी क्रम में इमरान नमाज रहेगा, आदित्य कुमार रहेगा, हिसाम मिर्जा ने ओपनिंग किया था तो अगर फिर से ओपनिंग करने के कुछ चांसेस रहेंगे तो रखेंगे, अगर ओपनिंग नहीं किया तो कोई बात नहीं है, हम इनको छोड़ देंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में सुल्तान जाइन, एस अली, शिवत्यार राजा शाह, करुणाल पाटिल फिर आएंगे बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में जब फिर अंसारी, अनवर अली, मोहम्मद फहीम को पिक करेंगे, उनके अलावा हम ट्राई करेंगे यहाँ पे अब्दुल्ला गुलाम खान को, आप राहिल खान को ले सकते हो। सुलचंदाई मेरा कैप्टन रहेगा, एस अली मेरा वीसी रहेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन से आप रिवर्स कर सकते हो। सीबीसी का बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए भोतेजू भी, लेकिन भोतेजू भी क्रिक बटिंग करा रहा है, ज़्यादा बढ़िया फॉर्म है नहीं बल्लेबाजी से, लेकिन आप कर सकते हो जीएल वगैरह का टीम में भोतेजू को सीबीसी। अभी के लिए मेरा डेमो टीम है, फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम पर आप जुड़ेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक।